हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा, सुरक्षित रखा। मेरे प्रियजनों, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। मेरे प्रियजनों, उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है। मेरे प्रियजनों, आपको पता ही होगा इसराइल और हमाम में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ चुका है। मेरे प्रियजनों, उनके लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर से विनती करिए, उन सबको परमेश्वर जो हृदय मन दिमाग के चेंज करे और जो युद्ध छिड़ाओ शांत होने पाए। मेरे प्रियजनों, आपको पता होगा कि बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं धीरे धीरे, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, युद्ध होगा, लड़ाई होगा। मेरे प्रियजनों, बहुत सारी जाने जाएंगी, ऐसा बाइबल कहती, व्यवस्था कहता है। मेरे प्रियजनों, हम आम के लिए, इसराइल के लिए प्रार्थना करिए परमेश्वर से, ठीक है? वहाँ शांति दे परमेश्वर, बहुत लोगों का वहाँ हृदय मन दिमाग चेंज होने पाए और यीशु मसीह को लोग जानने पाए, ठीक है? मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आँख बंद करके सुनना है, लास्ट में सुनना है, ठीक है? और सभी के लिए प्रार्थना करिए, ठीक है? परमेश्वर से प्रार्थना करिए, ठीक है? परमेश्वर जो महान है, दयालु है, करुणानिधि परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु, जो सेनाओं की यहोवा, जो सृष्टिकर्ता मालिक है, जिसके द्वारा हम सभी को जीवन मिला, उद्धार मिला, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रियजनों, ठीक है? मेरे प्रियजनों, जब दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, गरीबी में, बीमारी में, उदासी में, बेचैनी में है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उदासी में हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। हर एक परिस्थितियों को चेंज करने वाला परमेश्वर है, हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है, हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा हमारा परमेश्वर। हम सभी को विश्वास करना है। यीशु मसीह ने कहा है, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हमें विश्वास करना है, ऐसा विश्वास नहीं करना है जो उद्धार नहीं कर सकता है। हमें संदेह नहीं करना है परमेश्वर के कामों पर, क्योंकि जैसा परमेश्वर कहता है वैसा हो जाता है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, जो हम सब अपने मुख से सब निकालते हैं, परमेश्वर उसको पूरा करता है। मेरे प्रियजनों, ठीक है? वो महान परमेश्वर है जो हम सभी के मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं, क्या जरूरतें हैं, वो परमेश्वर जानता है, ठीक है? हमें विश्वास करना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है, ठीक है? यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में, समस्या में, गरीबी में, बीमारी में, उदासी में, बेचैनी में हैं, डरे हुए, घबराए हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, यीशु मसीह से बताने की आवश्यकताएं हैं। इतना महान परमेश्वर, इतना दयालु परमेश्वर है, जिसके द्वारा हम सभी को उद्धार हुआ, जीवन मिला है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है, परमेश्वर में, किसी मनुष्य में नहीं है, यीशु मसीह में है। मेरे प्रियजनों, ठीक है? यदि आप किसी बात को लेकर टूट चुके हैं, चिंताओं में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को, जरूरतों को पूरा करेगा। जो महान परमेश्वर है, जो दयालु परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, मेरे प्रियजनों, जो प्रभु का प्रभु है, जो सेनाओं का यहोवा है, जो सृष्टिकर्ता मालिक है, मेरे प्रियजनों, ठीक है? उससे हम सभी लोग विनती करेंगे, ठीक है? जो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को जानते हैं, हमारी जरूरतों को हमारा परमेश्वर जानता है, ठीक है? यीशु मसीह ने कहा है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि आप समस्या में, कष्ट में है, तकलीफ में है, दर्द में, पीड़ाओं में है, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, परमेश्वर से बताना है। इस प्रार्थना को आँख बंद करके सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे, ठीक है? जब आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के पास पहुंच जाती है और परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है, ठीक है? चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु, मेरे पिता। आप महान प्रभु, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा, आप प्रभु के प्रभु, आप सेनाओं की जवाब सृष्टिकर्ता मालिक यीशु पापा। मेरे प्रभु, जो आपने मेरे पिता हम सभी को जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा प्रभु, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से पिता वे बिछड़ गएंगे पिता, वे कैसे स्थान पर चले गएंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती, जगह कीड़े नहीं मरते हैं मेरे स्वामी। जो आपने मेरे पिता सभी का नाम लेके बुलाया, उद्धार किया, छुटकारा किया, एक अनंत काल का जीवन दिया प्रभु, अजर मिराज का पिता, जो कभी नाश नहीं होता पिता, जो आपने अपने प्रेम करने वालों को दिया है,
इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते पिता, जो आपने हमें अनंत जीवन दिया पिता। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, खास तौर से विनती करता हूँ पिता इसराइल और हमाम देश के लिए पिता, जो वहाँ पर युद्ध छिड़ा है पिता, जो वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जा रहे पिता, वहाँ पर यीशु मसीह आपके नाम से शांति आने पाए पिता, वहाँ पर बहुत सारे लोग पिता जानने पाए पिता कि आप ही उद्धार करने वाले परमेश्वर पिता, वहाँ का युद्ध शांत नहीं पाए पिता। प्रभु आपने जैसा अपने वचन में कहा है, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, युद्ध होंगे, युद्ध छिड़ेंगे, बहुत सारी जाने जाएंगी पिता, जैसा कि आपने अपने वचन में कहा है मेरे पिता, वो सब पूरा हो रहा है प्रभु। मेरे पिता प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वहाँ पर शांति आने पाए पिता, शांति के राज को आने पिता। प्रभु आपने पिता कहा है जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। मेरे पिता आपके नाम से मांगते पिता, इसराइल हमाम देश के लिए वो सारे देश हैं जहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ पिता, युद्ध शांत नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा। प्रभु हर एक जन को पिता छू कर पिता पिता उनका हृदय मन दिमाग चेंज नहीं पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन मसीह भाई बहनों के लिए पिता, जो मसीह भाई पिता हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो खाट पे जो बेड पे पड़े पिता, जो रो रहे मिलक रहे चिल्ला रहे पिता, जो आखिरी सांस ले रहे पिता, हम चाहते पवित्र आत्मा होली स्पिरिट आपके नाम से पिता इनका हृदय मन दिमाग चेंज होने पाए। पवित्र आत्मा हर एक जन को छू लीजिए पिता। हालेलुया धन्यवाद यीशु पवित्र 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 आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। मेरे पिता प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन्हें कैंसर गलटिया और सलिया पत्थर अन्य प्रकार की मेरे लिप्त पिता जकड़े में प्रभु, हम चाहते पवित्र आत्मा होली स्पिरिट ये मसीह बना आजाद नहीं पाए, हर एक बीमारियों से आजाद नहीं पाए, हर एक दर्द पीड़ाओं से आजाद नहीं पिता, जिनके घर में गंदी दुष्टता में बदुरी आत्मा है, जादू टोना के बंधन काला बंधन है, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पिता ये बंधन टूट जाए जल जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट छू लीजिए पवित्र आत्मा हर एक जन को छू लीजिए पिता, इनकी हर एक समस्याएं दूर होने पर, हर एक गंदी दुष्टता में बदुरी आत्माएं इनके जीवन से चले जाओ, छोड़कर चले जाओ इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा हर एक जन को छू लीजिए मेरे स्वामी, हर एक शैतानी बंधन टूटे, हर एक जुआ टुकड़ा टुकड़ा किया जाए इस मसीह के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो गरीब है जो लाचार है पिता, जो कमाने नहीं पिता, जो 100-200 रुपए पर पिता ये उधर उधर उधार ले रहे पिता, सहायता ले रहे, प्रभु आपका वचन कहता है श्रापित वह पुरुष जो मनुष्य का सहारा लेता है उस पर भरोसा रखता है। प्रभु पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, आशीष के दरवाजे से मसीह हम चाहते हैं प्रभु जी आपके नाम से मांगते ढूंढते खटखटाते हैं तमाम मसीह भाई-बहनों के लिए पिता, उनके घरों के पिता आशीष से उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए पिता, तंगी परेशानी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, बरकतें आने पाए उनके घरों के पिता, हर एक गंदी आत्माओं की बंधन टूट जाए, रुकावट की बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन जल जाए इस मसीह के नाम से। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए, जिन बहने के बच्चे नहीं होते पिता, जिन्हें संतान चाहिए प्रभु, हम आपके नाम से आदेश देते हैं बच्चे की आशीष आने पाए, बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु पवित्र 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 पवित्र, इनके जीवन से हर एक गंदी आत्मा के मन आउट हो जाए, आउट हो जाओ, आउट हो जाए जी जैसे मसीह के नाम से। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो मसीह बाबा रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता भय लगता, प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। प्रभु मुझे आशा विश्वास है पिता अपने प्राण को सुना है, ये छोटी स्मृति उद्धार करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे पावन नाम से मांगते, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।